बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा पर सरकार की बनाई कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और आज कमेटी ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बंगाल में चुनाव के बाद सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत हिंसा हुई, जिसके तहत एक दल विशेष को समर्थकों को उसके निशाना बनाया गया। हिंसा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ गुंडे और माफिया भी शामिल थे। जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें उनके साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ रेप किए गए, घर तोड़ दिए गए। यही नहीं, पीड़ितों को पुलिस के पास जाने से रोका भी गया है। इन तमाम बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में है। सबसे महत्वपूर्ण कि जो हिंसा चुनावों के बाद हुई वो पूर्व नियोजित थी, एक साजिश के तहत हिंसा करवाई गई। इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने। एमएचए को ये रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये साफ जिक्र किया गया कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। और केंद्र सरकार की कमेटी में शामिल झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, और बहुत स्वागत है आपका निर्मल कौर जी। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं इस रिपोर्ट को लेकर आपका रिएक्शन इसलिए चाहती हूं क्योंकि इसमें ये साफ जिक्र किया गया है कि सब कुछ पूर्व नियोजित था, जो कुछ भी वहां पर हुआ चुनावों के बाद वो एक साजिश का हिस्सा था। जी हाँ, ये एक स्वतः स्फूर्त या स्पॉन्टेनियस किस्म की हिस्सा नहीं थी। ये एक बहुत ही प्री मेडिटेटेड और पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र टाइप का करके ये इस प्रकार की हिंसा हुई, नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर इतनी व्यापक हिंसा इस प्रकार से नहीं हो सकती थी, जब तक कि कुछ एक प्री मेडिटेशन का एलिमेंट उसमें काफी हद तक ना हो। जी निर्मल कौर जी, ये भी कहा गया कि यहाँ पर लोगों को डराया धमकाया गया, जिनके साथ हिंसा हो रही थी, जिनके साथ यहाँ गलत रवैया हो रहा था, उन्हें पुलिस के पास तक जाने से रोका गया। यानी कि तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पुलिस के पास जाने से रोका, तो जाना जी दूर की बात है। पुलिस के पास जाने पर भी पुलिस ने ना तो रिपोर्ट ली ना तो कोई कार्रवाई की। मतलब पुलिस एकदम मूक दर्शक बनी रही है, और मतलब इफ एनीथिंग दे वर कनाइविंग। उन लोगों ने साथ दिया एक तरह से मूक रहकर, क्योंकि उन्होंने किसी की रिपोर्ट नहीं ली, एफआईआर रजिस्टर नहीं किए, और जब इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हिंसा की बात करते हैं, डराने धमकाने की बात करते हैं, ये तो एक आतंकित करने की बात थी, मतलब एक एक्सट्रीम आतंक फैलाने की बात है। और वहाँ पर भी ना तो कोई पदाधिकारी गए और ना तो कोई बड़े मंत्री जाते, मुख्यमंत्री जाते, जहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जब कोई बड़ा कांड होता है तो लोग जाते हैं जो प्रशासन से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं, पर यहाँ पर कोई नहीं गया। इवन थाना प्रभारी रैंक का ऑफिसर उन घटनाओं को देखने नहीं गया। अधिकतर घटनाएं जहाँ हम गए थे, अधिकतर क्या, किसी भी जगह कोई भी पुलिस का रिस्पॉन्स हमें दिखाई नहीं दिया, जबकि इतनी बड़ी बड़ी पूर्व नियोजित अच्छे बड़े बड़ी घटनाएं हुई, परंतु पुलिस मूक दर्शक बनी रही और उन्होंने वो कार्य नहीं किया, उन्होंने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो कि एक नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस का फर्ज बनता है। यानी आप जो कह रही हैं और जो इस रिपोर्ट में भी है कि सब कुछ होने दिया गया, मतलब प्रशासन पर भी सवाल, यहाँ पर खासतौर से पुलिस की बात मैं करूँ उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खाली पुलिस नहीं, प्रशासन के बहुत से अंग होते हैं। पुलिस तो एक दिखाई देता है इसलिए सबसे पहले नजर में आ जाता है, परंतु प्रशासन का फेलियर है, प्रशासन एक तरह से पूरा फेल कर गया। और प्रशासन जिसका कि काम होता है संविधान को अक्षुण रखना, संविधान की रक्षा करना, यही तो प्रशासन का काम है, उसी के मुताबिक काम करना, जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो नियम है हमारे, जो कानून है, उनके हिसाब से चलना, हर नागरिक को एक बेसिक सुरक्षा मुहैया कराना। अगर आपके पास सुरक्षा ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो सुरक्षा का जो भाव है कि मैं आराम से कमाने खाने जा सकता हूँ, मैं अपनी आजीविका अर्जन कर सकता हूँ, मेरी बेटी बहू मेरी पुत्री यहाँ सुरक्षित है घर में, पत्नी उसको लेके अगर कोई आदमी कमाने जा सकता है, उस बात को पूरा, वो जो तंत्र है, वो जो सोचने का तरीका है समाज में, उसको तोड़ा गया। और प्रजातंत्र की जो वेरी रूट है, जो उसका जो मतलब एक एकदम आधार है, आपका वोट देने का अधिकार जो है, मतलब प्रजातंत्र पे एकदम प्रजातंत्र का गला घोटने का बहुत बड़ा मतलब एक काम किया गया है कि आप अपनी मर्जी से किसी विचारधारा को, किसी एक उसको सपोर्ट ना कर पाएं, अपनी मर्जी से आप किसी विचारधारा के हितैषी ना बने या उनको सपोर्ट ना करें। अगर आपको कुछ पसंद है, देखिए जितने भी आपके पास अधिकार है संविधान में, सब एक अधिकार से फ्लो करते हैं, वो अधिकार है आपकी अपनी मर्जी की सरकार चुनने का अधिकार।
और अगर आपको कहा जाए कि आप इसको वोट नहीं दोगे, ये पार्टी नहीं करोगे, वहाँ की पार्लियामेंट में कहते हैं फलाना पार्टी नहीं करेगा, मतलब उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि जिस बूथ में अगर वो लोग हारे हैं और दूसरी पार्टी आगे बढ़ी है, काफ़ी वोटों से आगे बढ़ी है, उन्होंने एक सामूहिक जुर्माना लगा दिया कि इतना पैसा इकट्ठा करके दो। एक गाँव में देखिए जहाँ एक चापाकल था, हैंडपम्प लगा हुआ है, मात्र एक हैंडपम्प है पूरे गाँव में, वो लोग मतलब क्या टेरर है कि हैंडपम्प उखाड़ के ले गए। एक और गांव था जहां की मतलब उनको वोट प्रचुरता से नहीं मिला, उन्होंने जेसीबी लाके जो पुल जो गांव को कनेक्ट करता था पूरा का पूरा पुल तोड़वा दिया, और कई लोग तो आतंक के मारे भाग गए, और जब वो भाग गए तो पीछे से जो उनकी स्त्रियां थी उन पर जुल्म किए गए, कई स्त्रियों को मतलब बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया। जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि इसकी तो इस तरह की प्लानिंग एक लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि सिर्फ इसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं थे, गुंडे माफियाओं को भी शामिल किया गया था। कमेटी के रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है। इसमें ज़रूर गुंडे और माफिया तत्व ज़्यादा थे, चाहे उनका कोई भी राजनीतिक सपोर्ट रहा हो, मतलब राजनीतिक किसी को वो सपोर्ट कर रहे हों किसी राजनीतिक कारण से, किसी राजनीतिक दल विशेष को सपोर्ट कर रहे हों, परंतु वो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, वो लोग गुंडे और माफिया तत्व हैं जिन्होंने के क्रिमिनल कार्य किए और राजनीति के नाम पे किए कि जाके राजनीति ये फलाना पार्टी नहीं करोगे नहीं तो तुम पे ये होगा, हम तुम पे जुर्माना लगा देंगे, तुमको जीने नहीं देंगे, तुम्हारी दुकान तोड़ दिया, तुम्हारा घर जला दिया, तुम्हारे घर में मारपीट किया, तुम्हारी स्त्री को बेइज्जत किया, तुम्हारी 80 साल की माँ को जाके धमका रहे हैं, और मतलब कितने एक्सट्रीम केसेस आए हैं कि बहुत ही अमानवीय और बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया लोगों के साथ, स्पेशली स्त्रियों के साथ, और स्त्रियों के साथ जो व्यवहार किया गया वो सिर्फ एक फिजिकल मतलब वायलेशन नहीं है कि फिजिकल उनके प्राइवेसी का या उनके फिजिकल स्पेस का वायलेशन है, वो उनका भावनात्मक वायलेशन भी था, क्योंकि कई घटनाएं आई, जैसे कि एक घटना आई कि जहाँ की एक बच्ची को निर्वस्त्र किया गया पिता के सामने, एक और घटना आई जहाँ की एक बहुत ही काफ़ी बूढ़ी 60 साल से बड़ी औरत को बलात्कार किया गया उसके पुत्र के सामने। अब ये फिजिकल वायलेंस से ज़्यादा है कि इमोशनल वायलेंस है। इमोशनल वायलेंस क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको इतना आतंकित कर दें, इनको इतना सबड्यू कर लें, अपना इतने अधीन कर लें कि अपने मन से ना सोच पाएं और जो हम कहें उसी के हिसाब से चलें। इन दलों का डर उनके अंदर आतंक है, बैठ जाए, बिल्कुल इस तरह का आतंक वहां पर मचाया, दलों का डर बैठ जाए और ये अपने मन से मतलब देखिए इंसान को रोटी के बिना शायद जी भी ले, पानी के बिना भी जी ले शायद, परंतु अपनी डिग्निटी के बिना वो नहीं जी पाता। ये इंसान की मतलब एक नागरिक की डिग्निटी छीनने का प्रयास है कि आप उसकी डिग्निटी छीन रहे हो ताकि वो सम्मान से जो उसका जीने का अधिकार है उसी को आप ले रहे हो इस तरह के हिंसा करके। आखिर ठीक है, मतलब प्रजातंत्र है, हम किसी को भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। एक और खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक शाकिर अली जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर अली, इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे आप? कमेटी ने तो इस रिपोर्ट में साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि ये सब कुछ तो पहले से प्री प्लान था, सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई थी कि लोगों के दिलों में डर कैसे बिठाया जाए। नहीं नहीं मैडम, ऐसा है कि माननीय हमारे सामने जो बोल रही थी, मैं आपसे सीधा उनसे आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट जो है इसको सिरे से हम लोग खारिज करते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये रिपोर्ट में ये जो कोच बिहार में शीतलकुची में 5 लोग जो ये मिलिट्री के गोली से लगे और स्पॉट डेथ हुए, तो क्या ये रिपोर्ट में वो चीज शामिल है? और ये जो पोस्टपोल जो ये जो दंगे जो दिखा रहे हैं, ये जो किताब सार्वजनिक किया गया है, अभी किताब रिपोर्ट जो किया गया है, देखिए आप क्या लगता है कि ये जो गृह मंत्री हैं क्या वो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में क्या वो रिपोर्ट तैयार थोड़ी कर सकते हैं? आज जो बाहरी लोग जो आए हैं, जो बाहरी लोग आए थे यहाँ पर बंगाल में, वो तो हमने आपके टीवी पर ही कितने बार ये वो बात उठाया है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड से लोग यहाँ पर आकर के होटल में बैठे हुए थे, फुटेज है उनका, होटल दखल पूरे होटल कब्जा किए हुए थे, यहाँ तक के छोटी छोटी गाड़ियों से जो ड्राइवर आया उसका इंटरव्यू है कि हाँ हम गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी हुआ, ये जो है भारतीय जनता पार्टी हर किसी भी तरह से जो है बंगाल को दखल लेना चाहती थी कि हमको हर हालत में बंगाल को दखल चाहिए। ठीक है शाकिर अली, सही बात है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं आपकी सारी बातें मान भी लूं, आप इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, चलिए ठीक है, जिम्मेदारी किसकी थी राज्य में, उस सरकार किसकी थी, और अगर वहां पर पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस के पास लोग गए वहां पर मदद मांगने के लिए, उन लोगों ने मदद नहीं की, वहां से लोगों को लौटा दिया डरा धमका कर, ये फेलियर किसका है? देखिए अगर ड्यूरिंग द इलेक्शन अगर हुआ होगा तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो सीधे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जा रहा था,
और अगर उसके बाद जो हम लोग का 5 जून के बाद जो 5 मई के बाद जून के बाद जो दीदी का शपथ हुआ है उसके बाद ये रिपोर्ट में देखना होगा कि इलेक्शन के दौरान कितना हिंसा हुआ था और इलेक्शन के बाद कितना हिंसा हुआ है। और यहाँ तक कि हम लोगों के जो राज्य के मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद पहला काम ये किए थे कि टोटल विधायक और ऑल पार्टी मीटिंग और उसके साथ में पुलिस प्रशासन का मीटिंग, सब तरह का मीटिंग करके, और दीदी जो है डायरेक्ट बोले थे कि जो है हर जगह अमन और शांति बनाए रखे, क्योंकि ये मामला सिर्फ मतलब ये मत समझ लीजिए कि टीएमसी के ऊपर ये फोड़ दे इनका ठीक रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादा अटैक हुआ था। और यहाँ तक कि इनका जो बयानबाजी हुआ था दिलीप घोष का कि शीतलकुची, अभी तो एक घटना है शीतलकुची, 5 लोग मरे हैं और लोगों को मारा जाएगा और गोली चले गए और लोगों को इसी तरह से मार दिया जाएगा, ये सब तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था। क्या रिपोर्ट में वो सब चीज लिखा है? हम तो वो सिर्फ जानना चाहेंगे कि क्या वो रिपोर्ट में है कि नहीं, या फिर उसको पढ़ के देखेंगे। इसीलिए इस पर बहुत सारी बात, एक तरफा कोई रिपोर्ट तैयार करने से नहीं होता है, और इसमें जो है जो जो बातें लिखी गई है उस पर देखना होगा। देखिए जैसे कि 10 फीट मिट्टी के अंदर गड्ढा करके डाल देंगे, ये दिलीप घोष का बयान था। हिंदू हथियार उठा ले, ये दिलीप घोष का बयान था। और मिथुन चक्रवर्ती का बयान, कोबरा एक बार डसेंगे तो फोटो बन जाओगे, तस्वीर बन जाओगे, बहुत सारा भारतीय जनता पार्टी का उलट पुलट बयान आया है, और इससे हिंसा बढ़ी है बंगाल में इलेक्शन के दरमियान। तो इलेक्शन के दरमियान जो दंगा हुआ उसके ऊपर ये रिपोर्ट है कि इलेक्शन के बाद जो हुआ है या हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके ऊपर क्या रिपोर्ट है इनका, इस पर उनको खोल के बताना चाहिए। माननीय से हम अनुरोध करते हैं। देखिए ये जो रिपोर्ट है, ये सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट है, ये आप राजनीतिज्ञ की तरह से बात कर रहे हैं, किस राजनीतिज्ञ ने क्या कहा वो बात नहीं है। बात है कि जब नतीजे आए और तत्काल जिस तरह से आक्रमण शुरू हुए, जिस तरह से लोगों के घर जाके तोड़े गए, जिस तरह से लोगों को भागने पर मजबूर किया गया, जिस तरह से उनकी आजीविका लूटी गई, उनकी दुकानें मकान लूट लिए गए, और यहाँ तक कि वहाँ हमने देखा कल्याणी में एक इंडियन ऑयल का गैस बॉटलिंग प्लांट है जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और कायदे से केंद्र सरकार के अधीन है, और केंद्र में तो अभी अगर ये बात कर रहे हैं एक पार्टी विशेष की, उसी की सरकार है। तो वो जो आयो बॉटलिंग प्लांट है कल्याणी ही, शायद नादिया या कल्याणी कहीं पर है, मेरे पास लिखा हुआ है, वहां पर एक इंडियन ऑयल का बॉटलिंग प्लांट है, वहां पर एक आदमियों को नौकरी से निकाल दिया गया कि तुम फला पार्टी को सपोर्ट किए हो तो तुमको हम नहीं रखेंगे नौकरी पे, वहां पे निकाल दिया गया। तो ये जो राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर आप राजनीति के आधार पे किसी को नौकरी से रख देते हैं या नौकरी से निकाल देते हैं क्योंकि आज हम जीत गए, अब हम जीत के नशे में इतना चूर हो गए, तो आप में और वो जो एक जो पुराने जो बर्बर किस्म के जो कॉन्करर होते थे जो कि एनिमी को वैंक्विश करना चाहते थे, उनमें और आप में फर्क क्या है? आपने राजनीति की, उन्होंने भी राजनीति की, नागरिक को अधिकार है अपने मन से चुनने का। मैं किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, कोई आए कोई जाए, ये तो प्रजातंत्र में होता है, कोई जाएगा कोई आएगा, किसी जिसको जनता चुनेगी वही बैठेगा, जनता ने चुन लिया मान लीजिए आप बैठ गए, तो परंतु आपको बराबर सबको सुरक्षा देनी है। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि इसने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, और ये पूरे के पूरे गांव को हम जुर्माना लगा देंगे या इस पूरे गांव को हम प्रताड़ित करेंगे, सब लोगों को भागने पे मजबूर करेंगे, इनका हम पुल ढा देंगे, ये अपने काम पे ना जा सके, इनका हम चापाकल उखाड़ देंगे जो कि एकमात्र पानी का सोर्स है पूरे एरिया में, ताकि ये लोग पानी पीने से भी मोहताज हो जाए। क्या है ये आतंक फैलाना नहीं तो क्या है बिल्कुल, और यही इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है कि सब कुछ प्री प्लांट था, यानी कि सुनियोजित था, जो भी हिंसा हुई पोस्ट पोल वहां इस रिपोर्ट में, हालांकि कुछ सिफारिशें भी की गई हैं ताकि अमन और चैन जो है वो बहाल बंगाल में, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, निर्मल कौर जी, शाकिर अली जी, माफी के साथ यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी निर्मल कौर जी, वक्त मेरे पास इतना ही था, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट अब सामने है, लेकिन इस रिपोर्ट मिलने के बाद गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है, इस अध्ययन के बाद संविधान के मुताबिक जो भी संभव होगा वो कार्रवाई की जाएगी। बंगाल को लेकर के एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आपको सबमिट की गई है, उस रिपोर्ट में कई सारे खुलासे किए गए हैं कि पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ है क्या कुछ निकल के आया है, और जिस तरीके से जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने आपके सामने जो जानकारी रखी है। अभी तो रिपोर्ट दिया है, उसको स्टडी करना है, वो हमारा डिपार्टमेंट स्टडी करेंगे, हम गृह मंत्री जी अमित शाह जी को रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट स्टडी करने के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत सरकार का जिम्मेदारी बनता है वो काम करेंगे। लेकिन ममता जी तो जो है राज्यपाल के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही हैं कि वो जो है जिस तरीके से राज्यपाल कार्रवाई कर रहे हैं। ममता जी किसके खिलाफ नहीं है, समाज के खिलाफ है, सबके खिलाफ है, मीडिया के खिलाफ है,
केंद्र सरकार के खिलाफ है, गवर्नर के खिलाफ है, सभी लोगों के खिलाफ बात करती है, गैर जिम्मेदारी से बात करती है। नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, राज्यपाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं क्योंकि राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, जम्मू कश्मीर में भी हो नहीं तो वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली में भी हो, किधर भी हो, सभी लोगों का सिक्योरिटी देने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ वायलेंस को स्पॉन्सर करते हैं, रूलिंग पार्टी कुछ वायलेंस को पीछे रहते हैं, जब गवर्नर का जिम्मेदारी बनता है हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाते जनता को सुरक्षा देना चाहिए, इसीलिए वो गवर्नर साहब उस विषय पर सुरक्षा देने के लिए बातचीत हो रहे, लोगों से मिलने के लिए बातचीत हो रहे, उनको कॉन्फ्रेंस बढ़ाने के लिए बातचीत हो रहे, वो घूम रहे। मगर ऐसे समय पर मुख्यमंत्री को जाके जनता को सुरक्षा देने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो जानबूझकर वायलेंस को रूलिंग पार्टी उनके पार्टी के द्वारा वायलेंस हो रहे वो समय पर गवर्नर कर रहे, गवर्नर को क्रिटिसाइज करना, गवर्नर को अपमान करना ये बहुत गलत है, गवर्नर का आदेश को पालन नहीं करना चाहिए ये बहुत गलत है। मगर आप फिर फेल हो गया, आप नहीं करते हैं, गवर्नर भी नहीं करते हैं, जनता इसको बताना चाहिए, इसलिए वो गवर्नर जो भी कर रहे ठीक कर रहे। ABP News आपको रखे आगे।